Hi folks, so we are at the Agra market now. We are here in the leather market. You can see these are leather shops which is in the interior, and very small lane where you need to enter, and it's in southern market. और यहाँ हम आए हैं थोड़ा शूज़ वगैरह देखने के लिए. थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ठंडा होगा, धूप में थोड़ा गर्म है, अदरवाइज थोड़ा सा ठंडा है. सो अभी हम चल रहे हैं, थोड़ा देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा. यहाँ पे एक वकार भाई की दुकान है जो बताया गया है हमें फॉर कि हमें वहाँ पे अच्छे शूज़ मिल सकते हैं. तो अगर आप आगरा आते हैं तो आगरा फेमस है लेदर के लिए. सो इफ़ यू वांट आप लेदर ले सकते हैं, लेदर शूज़ ले सकते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टाइल शूज़, यहाँ पे भी लेदर का बहुत सारा सामान है. रियली हाई एंकल शूज एंड फुटवेयर. Here you can see there are a lot of shoes. बहुत ही बढ़िया शूज़ यहाँ पे मिल जाते हैं आपको देखने को और लेने को. सो अगर आपको रियली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन, इफ़ यू आर अ शू पर्सन, देन आई थिंक दीज आर द शॉप्स वेयर. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू नो द क्वालिटी ऑफ लेदर एंड यू नीड टू नो दैट हाउ द रियल लेदर लुक्स लाइक, एंड यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लेदर्स. सो दीज आर द काइंड ऑफ शूज़ दैट यू कैन सी हियर. बाकी आपको आगे के व्लॉग में दिखाएंगे कि हम जब ट्राई कर रहे हैं और किस टाइप के शूज़ हम देख रहे हैं. तभी हम एक और शॉप पे आए हैं, एक गुड्डू भाई की दुकान है और ये इनका कार्ड हम ले चुके हैं. और यहाँ पे हम देख रहे हैं शूज़ तो ब्रांड है, अलग अलग है, शॉपीज है, कैफे नेरो है, ब्लैकबेरी है, वेडी बोकर है, व्यस पोलो है, सब यूरोप में ब्रांड्स है. बुगाटी के हैं, ओरिजिनल शूज होगा, फुल गारंटेड, 5 years गारंटेड है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती इसके अंदर. तो ये बता रहे हैं बुगाटी के शूज़ हैं और भी बहुत सारे अलग अलग शूज़ हैं जो अवेलेबल हैं. ऑब्वियसली दिस इवन आर नॉट द रियल शूज बट ओरिजिनल शूज़ हैं, गारंटेड होगा. ओह, दीज आर ओरिजिनल शूज एज पर देम. तो देखते हैं, हम ट्राई करके थोड़ा सा फिर हम चलते हैं. तो हम गुड्डू भाई की दुकान से भी निकल चुके हैं और एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट को, और देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि असली लेदर कौन सा है और असली नकली लेदर कौन सा है. उस चीज़ पे डिपेंड करता है, बिकॉज आपको पहचान होनी चाहिए कि लेदर कौन सा रियल है और कौन सा नहीं है. बिकॉज लुकिंग एट दी यू नो ब्रांड्स, और इफ़ यू गेट अ लिटिल मोर टची अबाउट द ब्रांड्स, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई. और उस चक्कर में क्या होता है, हम लोग गलत चीज़ ले लेते हैं. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं. ये पूरे शूज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. आइए और देखते हैं मार्केट में यहाँ पे. और मुझे यहाँ पर कुछ शूज़ दिख रहे हैं, ये आगरा मेड लेदर्सी. हम अभी एक्सप्लोर करते हैं उसके बाद हम. तो अभी क्या हुआ है कि हम लोग ये मार्केट तो देख लिया हमने सदर में, बट समहाउ वी फील दैट जो लेदर है वो ओरिजिनल नहीं है. वी आर नॉट रियली वेरी कन्विंस्ड विद दी क्वालिटी. सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस जो कि चिराग ने बताई है. तो हम वो दूसरी जगह पे जाके देखेंगे, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लेदर है वो बहुत बहुत थिन लेदर है, जिससे कि वो थोड़ा सा रैक्सिंग जैसा फील दे रहा है. सो अगेन आई एम कोटिंग दैट आपको बहुत श्योर रहना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हैं और क्वालिटी किस तरीके की है, बिकॉज आप आराम से बेवकूफ़ बन सकते हैं, विच इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज. तो ऑब्वियसली ये वीलॉग जो है वो कैटेगोरिकली लेदर प्रोडक्ट्स पे है और आगरा के लेदर मार्केट के बारे में है. तो इसी वजह से वी जस्ट वॉन्ट टू एजुकेट एवरीबॉडी बिफोर यू कम टू आगरा टू बाय एनीथिंग. तो फोक्स, अब हम दूसरी जगह आए हैं सिकंदरा के पास में. यहाँ पे एक फैक्ट्री आउटलेट तो नहीं कह सकते, बट एक स्टोर है जो किसी ने हमें रेकमेंड किया है. इट्स कॉल्ड द डर्बी, और ये एक फैक्ट्री एम्पोरियम है पर से. तो अभी हम रोड क्रॉस करते हैं और वहाँ की तरफ जा रहे हैं. तो देखते हैं कि कैसा है, आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, ये कैसा दिखता है. तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है डर्बी शूज़ एंड एक्सेसरीज. सीम्स टू बी अ गुड वन. ये देखिए इन दोनों को क्या हो गया, ये लेके जा रहे हैं. और ये है डर्बी एक्सेसरीज, इट हैज़ सेफ्टी, TFC, मेडिरन, ठाकुर साहब, डर्बी, ठाकुर, कंफर्ट, मटका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और
यहाँ पर हमें आई थिंक वी विल गेट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. सो जस्ट टू शेयर विद यू दैट्स डब इश्यूज फॉक्स सीम्स टू बी क्वाइट प्रॉमिसिंग. सो हम जो लेने आए हैं वो है लेदर के गुड्स विच आर व्हाट यू कॉल एज बूट्स. और हम बूट्स देखते हैं यहाँ पे कहाँ मिलेंगे. तो यहाँ नॉर्मली सारे जो हैं नॉर्मल शूज हैं. लेट अस शो यू दैट. दीज आर डोबी शूज एक्सेसरीज. दीज आर ऑल द बॉक्सेस व्हिच यू कैन सी. दीज आर द बैग्स. ये अपना ही है. तो ये है हमारा TLC डायमंड सर्कल. सो अभी और देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं. तो चिराग ने हमें करीबन 2.5 घंटे घुमाया पूरे आगरा क्योंकि हमें उसको क्या कहते हैं शूज लेने थे जो वो पहले देख चुका था. बट वो शूज उसे मिल नहीं रहे थे. बट इवेंचुअली एक स्टोर है जो कि यूपी कॉटेज इंडस्ट्री, वहाँ पर जाकर फाइनली इसको ये रियलाइज़ हुआ कि यही है वो. और 2.5 घंटे के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं. तो दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वॉन्ट्स टू सी एवरीथिंग. सो दैट इज़ तब हम अंदर जाएंगे देखते हैं कि किस तरह से और क्या क्या अवेलेबल है. आई थिंक हम गलत स्टोर में आ गए. हमें 7 वाले पे जाना है और शूज लेने हैं. तो बूट्स हमें भी बूट्स लेने हैं. दैट्स द प्लान. सो हम स्टोर के अंदर से निकल कर वी आर गेटिंग इन टू अ न्यू स्टोर. नहीं थैंक यू. ओ देर आर स्टोर्स इन साइड द स्टोर्स एंड दिस इज अ कंप्लीट बिग लेदर शोरूम. आई कैन स्मेल लेदर. वाह वंडरफुल. दिस सीम्स टू बी नाइस. शूज और अंदर है. ओ गॉड क्या बात है ये. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये लेदर जैकेट्स ब्रीफ केसेस लेदर बैग्स. भैया अरे दोस्त ऐसे मत करो यार. अरे शायद सो फाइनली भैया का साइज का बूट निकाल. हम लोग 9 नंबर यहाँ पर आए हैं. 11 नंबर के भी होंगे. ये तो सिंथेटिक है. खांसी दिया आपने. सो दैट इज. अभी हमें जूता निकाल के दिखा रहे हैं भैया. आप बताएंगे इस जगह का नाम क्या है. क्या है? क्या नाम है बताएंगे. कॉटेज इंडस्ट्रीज. यूपी कॉटेज इंडस्ट्री. और यहाँ पे हर तरह का जूता मिलता है. और ये यहीं पे बनता है या कहीं और बनता है. ओन फैक्ट्री का प्रोडक्ट है सारा. ओन फैक्ट्री का प्रोडक्ट है आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है. कोई बाहर से नहीं आया है. कोई नकली माल नहीं. जैसे सदर में वो बेच रहे हैं बोल के कि ब्रांडेड है. अच्छा तो ये आपका प्योर लेदर है. ये नेक्स्ट ट्रेंड शूज है. और ये लेदर के शूज जो बता 5 नंबर भैया साइज तो सारे मिल जाएंगे. अभी करंट में जो है ना वो दिखा रहा हूँ. बाई ऑर्डर मिल जाएगा. नहीं वो इसलिए पूछ रहा है 11. उसको भूख लगी है. लगी भाई मेरा प्यार का साइज है 11. अच्छा फाइनली चिराग को जूता पसंद आ गया है. हमें जगह मिल चुकी है और ही इज सुपर एक्साइटेड अबाउट द शू. क्योंकि 2 घंटा 2.5 घंटा चलने के बाद में अगर हमें कोई चीज़ मिलती है टाइम पे तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सो एनीवे अभी हम कंटिन्यू रखेंगे अपना व्लॉग. शाम को मिलेंगे और अपडेट करेंगे हम और आगे आगरा में क्या करते हैं. और ऑब्वियसली शाम को हमारा शो है तो वो तो आप देखेंगे. Alright folks, so now Amit is also looking for a product for himself and obviously post me also picking up on the shoe. Or Amit is looking for the shoe, he is looking for a bag as you can see. And so finally we are done. I will be moving back to Salt Castle now. Yes. I post that we'll keep you updated and the blog still continues because we are going to be traveling back to and we'll share Delhi. To Delhi and we'll share further details. So Amit, how do you feel about buying this? So good. तो नहीं कह सकता. एग्जॉस्टेड भी था लेकिन अब मूड एकदम बढ़िया हो गया. फ्रेश वेरी नाइस. बिकॉज हम लोग 2.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद में
ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तो 100% अगर यहां कुछ नहीं मिलता ना तो फिर आगे पिटता हां हां जी पिटता 100% पिटता डेफिनेटली आप ही बात से करेंगे सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर